जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, दहगाम रेलवे स्टेशन से फिर से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हम मेरे सामने आप देख रहे हैं कि हम लास्ट वीडियो जब लेके आए थे वहाँ आपको पोल जो हॉरिजॉन्टल पोल है वो खड़े नहीं देखने को मिले होंगे, पर आज जब हम वीडियो लेके आए हैं तब हॉरिजॉन्टल पोल ऑलरेडी लगा दिए गए हैं दोस्तों। और आज की हमारी अपडेट हम लोग के आए हैं देहगाम से लेकर छेक डूंगरपुर तक, जो भी लेटेस्ट अपडेट होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, देहगाम से लेकर असारवा तक का जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, वायरिंग का काम है, वो ऑलमोस्ट पूरा कर लिया गया है और उसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देने का भी नोटिफिकेशन भी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से दे दी गई है, क्योंकि असारवा से लेकर हिम्मतनगर तक का उसका पावर सप्लाई रहेगा। पर अभी क्या है ना, हिम्मतनगर देहगाम से आगे का अभी वायरिंग का प्रांति तक का वायरिंग अभी चल रहा है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे भी इसी वीडियो में भी आपको वो भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों। बाकी ओवरऑल बात करें तो देहगाम पे पूरा पोल खड़े कर दिए गए हैं और जो भी पोल खड़े करने के बाकी थे पहले के वो अभी खड़े कर दिए, उसको सीमेंट वगैरह का काम ऑलमोस्ट कर लिया गया है दोस्तों। बाकी ओवरऑल बात करें तो काम अच्छे गति से तो हो रहा है, पर 31 मार्च से पहले देहगाम हिम्मतनगर तो शायद काम पूरा हो करके शायद टेस्टिंग भी कर ली जाए दोस्तों, क्योंकि मैंने आगे देखा है कि ऑलमोस्ट देहगाम तक तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर लिया गया है दोस्तों। बाकी देखते हैं आज हिम्मतनगर से आगे की क्या प्रोजेक्ट क्या है उसका अपडेट। और जो पोल खड़े करने का काम चल रहा था जो बिछीवाड़ा से लेकर हिम्मतनगर का, वो भी हम आपको आज ही इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, और बाकी बात करें को जो भी पहले हम लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि डूंगरपुर से शालाशाह स्टेशन तक वायरिंग का काम कर लिया गया था, उसके आगे जो बिछीवाड़ा वगैरह का काम हुआ है कि नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसकी पूरी एक पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है दोस्तों। अब क्या है ना, काम अब पूरा होने वाला है इसी रूट का, तो अब है ना मैं अब सोच रहा हूँ कि अब दूसरे रूट की भी अब आपको वीडियो देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो भी वीडियो आपको देखने में मिलेगी वो पूरी जर्नी के साथ देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अब आपको फुल्ली जर्नी वाली वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत ही जल्द आपको मैं पूरा प्लानिंग के साथ बहुत ही आपको, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, वहाँ भी आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं आज की अपडेट के लिए भी कि पहले ही वीडियो में मैंने आपको देहगाम से प्रांतिक तक को बताया था कि वहाँ ऑलमोस्ट ब्रैकेट और क्रॉस आर्म लगाने की तैयारी पूरी जोश से चल रही थी, ख़त्म ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया गया था। अब वायरिंग का काम ऑलमोस्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो उसके बारे में हम आपको अपडेट देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों। चलो, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है देहगाम रेलवे स्टेशन पे, तो चलते हैं इस गाड़ी में और मैं आपको डूंगरपुर तक की अपडेट जर्नी दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, गाड़ी आ चुकी है, हम लोग सफ़र के लिए तैयार है। जैसे ही गाड़ी रुकती है हम लोग सफ़र के लिए निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम लोग देहगाम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और अब आप सब देख रहे हैं, ये देखिए पोल खड़े तो कर दिए, अभी हॉरिजॉन्टल पोल खड़े इस तरफ के बाकी है, बाकी जो पहले दिखाया वो अलग तरफ का था। देखिए दोस्तों, हम लोग अब निकल चुके हैं, बाकी यहाँ पोल की लगा के उसको सीमेंट वीमेंट भर दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग आउटर के साइड से बाहर निकल गए हैं देहगाम की, और आप देख सकते हैं कि सामने आप नंबर रिंग का काम हो चुका है, ऊपर ब्रैकेट और क्रॉस आर्म लगा दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय करिए दोस्तों, मैं आपको इसी के साथ छोड़ रहा हूँ और आप देखते जाइए, मैं जैसे जैसे नई अपडेटेशन आएगी वैसे मैं आपको इस बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो आप देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, हम रखिया स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे जो भी फाउंडेशन का काम हुआ था उसमें से अब जो भी मिट्टी वगैरह भरी थी उसको अब निकालने का काम चल रहा है। बाकी अभी हम रखिया स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, दोस्तों हम लोग अब दलोद पहुंचने को है। हम लोग दलोद पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इधर भी अभी भी पुल लगाने का काम अभी भी चालू नहीं हुआ है दोस्तों। आप अच्छे से देख सकते हैं, अभी इधर भी थोड़ा भी वर्क नहीं दिख रहा। इधर एक पावर स्टेशन बनने वाला है दलोद में, ये देखिए इसका थोड़ा भी मरम्मत का काम चल रहा है। अभी भी साइड में भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, आप देख सकते हैं इधर। बाकी इधर ओवरऑल बात करें तो ये अभी काम बहुत बाकी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले स्टेशन पर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अब प्रांति स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे भी मैंने आपको नेक्स्ट टाइम दिखाया था कि उतना ही काम हुआ है। एक मेन लाइन और लुक लाइन का ही एक काम हुआ है। बाकी आप इधर देख सकते हो और वो काम उतना ही हुआ है, पर ज़्यादा अपडेट नहीं है इधर भी, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप इसको एंजॉय करिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट अपडेट पर मिलता हूँ।
दोस्तों हम लोग हिम्मत नगर स्टेशन पहुंच चुके हैं। बाकी इधर भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 का काम हुआ है, उतना ही अब इधर काम हुआ है, उससे अपडेट कोई इधर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसे बाकी ओवरऑल इधर भी आप देख सकते हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप वीडियो आपको मिले। दोस्तों हम हिम्मत नगर पहुँच चुके हैं, उसके अभी तक आपने देखा कि वेस्टर्न रेलवे का काम आपने देखा है, इधर अभी आप हम नंबर प्लेट दिखाने वाले हैं नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे का काम, हिम्मत नगर से डूंगरपुर तक जो भी इधर से आगे काम हुआ है उसके बारे में हम आपको वेस्टर्न दिखाने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों। अब बाकी देखिए इधर हिम्मत नगर पे मैंने आपको बताया था कि ये 2-3 नंबर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वायरिंग हो चुकी है और वहाँ पे भी तो ही वायरिंग का जो भी केबलिंग के बारे में जो छोटा मोटा काम रहता है वो अभी चल रहा है। देखिए दोस्तों सामने आप नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे की अंदर उनकी सरहद में एंट्री लेते हैं। हिम्मतनगर निकल चुके हैं, दोस्तों हम हिम्मतनगर से निकल चुके हैं। देखिए दोस्तों ये आप सामने देख पा रहे हैं काम हो रहा है 3rd नंबर प्लेटफॉर्म की लाइन पर। देखिए दोस्तों हम निकल चुके हैं उदयपुर की तरफ, देखिए दोस्तों इधर अभी दोस्तों यहाँ से नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे का इलाका मतलब उनकी सरहद चालू हो जाती है। और देखिए आप पुल खड़े नहीं करे गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से, देखिए कर रहे हैं वो अभी शहर के बाहर देखते हैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे से, हाँ देखिए दोस्तों ये सामने आप आपको देख रहे हैं, करीब हम लोग हिम्मतनगर शहर से 2-3 किलोमीटर आगे आगे चुक गए हैं और यहाँ से हमें पोल खड़े को देखने को मिल गए हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग पोल देखिए, उसकी साइड में जो भी काम हुआ है अपडेट देखिए, मैं आपको आगे मिलता हूँ।
ये नहीं, बड़े पोल खड़े नहीं करे गए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़े पोल जो खड़े करने हैं वो नहीं करे अभी तक, उसका काम अभी भी बाकी ही है। और हम लोग श्यामलाजी रोड स्टेशन पहुँच चुके हैं। बाकी जो सिंगल वाले रूट वाले जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 का भी कंप्लीट कर लिया गया है वहाँ पे भी।
भी नहीं लगाए गए हैं। ये बिच्छी वाड़ा है, अभी तक यहाँ पे वायरिंग का काम नहीं पहुँचा है दोस्तों। हमने लास्ट करीबन 15 दिन पहले यहाँ पे वीडियो ली थी, पर अभी तक 15 दिन के बाद भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं कहाँ हमें वायरिंग देखने को मिल रही है। चलिए आउटर पे जाके चेक करते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अभी बिच्छी वाड़ा आउटर तक बाहर निकल चुके हैं। अभी तक वायरिंग नहीं हुआ है, मतलब कि बिच्छी वाड़ा से भवनाथ तक बीच में अभी वायरिंग नहीं हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं आप अच्छे से, देखते हैं भवनाथ तक हमें वायरिंग देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, आप थोड़ा एंजॉय करिए, मैं आपको भवनाथ पर मिलता हूँ। तो हमें भवनाथ से पहले थोड़ा वायरिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। भवनाथ स्टेशन से पहले पहले हमें थोड़ा वायरिंग देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों कहाँ तक वायरिंग हुआ है, मैं आपको सीधा मिलता हूँ डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर।
79 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग डूंगरपुर पहुंच चुके हैं दोस्तों। और आप यहां देख सकते हैं मेरे आगे डूंगरपुर का रेलवे स्टेशन के, देखिए ये देखिए डूंगरपुर रेलवे स्टेशन, जो कि अभी शेड लगाने का काम अभी चल रहा है दोस्तों। बाकी ये भी अच्छी गति से काम चल रहा है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भी पूरा समतल करके शेड का जो भी स्ट्रक्चर है उसको खड़ा कर दिया गया है। बाकी यहाँ भी तीन लूक लाइट लैंप, वो तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। बाकी ओवरऑल काम अच्छा चल रहा है ऐसा बता सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो डूंगरपुर से शालासा तक तो मैंने आपको पहले दिखाया था, जब लास्ट बार मैंने इस डूंगरपुर की अपडेट दी थी उसमें बताया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो अगर वो ज़रूर देखिए, मेरे आपको चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा भवनाथ तक भी ये इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं पहुँचा दोस्तों। जितनी गति से पोल लगाने का काम और जितनी गति से उसको खड़ा करने का काम चल रहा है, उतनी गति से काम वायरिंग का नहीं हो रहा है दोस्तों। मुझे लगा था कि कम से कम बिछीवाड़ा तक तो वायरिंग देखने को मिलेगी, पर बिछीवाड़ा तक भी अभी वायरिंग पहुंचने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। करीबन 7-8 किलोमीटर और भी अभी बचा होगा, क्योंकि भवनाथ तक भी अभी वायरिंग नहीं पहुंचा दोस्तों। तो मतलब बिछीवाड़ा तक पहुँचने में और टाइम लग सकता है दोस्तों। बाकी ओवरऑल बात करें तो हिम्मतनगर से 3-4 किलोमीटर तक पोल बाकी है, बाकी तो पोल तो खड़े कर दिए गए हैं और वो वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करें तो इतना नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जो काम जो चला रहा है उसकी गति थोड़ी धीमी लग रही है दोस्तों। बाकी अभी तक बिछीवाड़ा से करीबन हुआ ही नहीं, बिछीवाड़ा से शामला जी 30 किलोमीटर और वहाँ से हिम्मतनगर 42 किलोमीटर है, अभी काफ़ी काम बाकी देखने को। देखिए दोस्तों इतना काम हुआ है, बाकी ओवरऑल हाँ। तो आज का वीडियो हम इधर ही समाप्त करते हैं, नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक लिए बाय।